हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर तो आज हम क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इलेवन इंग्लिश बिहार बोर्ड द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर फाइव की एक्सरसाइजेस एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है आज हम एक्सरसाइजेस कवर करेंगे तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही फिलिंदा ब्लैंक्स थे लेकिन हमने क्या करें इनको एक्सरसाइजेस में ऐड कर दिया है तो आपको अब कन्फ्यूज कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए देखिए ड्राइविंग अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस इनको आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर फोर्टी एट में दिया है ये ड्राइविंग इन अ मोटर कार इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट्स खालिस्तान इन डेली लाइफ तो जो मोटर कार है ना उस वो जब हम ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इसका एग्जाम्पल एक है वो वो है द एप्लीकेशन ऑफ साइंस का ठीक है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं मोटर कार जो है वो साइंस के द्वारा ही बनी है इंजन वगैरह जोड़ के तो एक एप्लीकेशन है साइंस का सेकेंड एंड एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन आवर ओपिनियन इज इनकुलशन ऑफ स्केप्टिसिज्म है ना अब यहाँ पर इसका आंसर समझिए कि जो साइंस है ना इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन अवर ओपिनियंस जो हमारे ओपिनियंस पे साइंस का इम्पैक्ट कैसा पड़ा है जब हमने इनकुलशन को समझा ना इसकेप्टिसिजम जो है उसको जो इंकुलकेट किया ना राशावाद को तो कहीं ना कहीं वो आया द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑथर इन दिस ऐसे अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना मेन पार्ट जो है टू मेक मैन अब देखिए क्या है ऑब्जेक्ट क्या है ऑथर का इन दिस एस तो यहां पर इसका आंसर है मैक मैन टेक थिंग्स फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लाइक हर एक चीज को आपको कैसे लेना है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा फोर्थ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस अब जो सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन क्या है साइंस का वो है टू अप्लाई इट टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ हमें क्या करना अपने डेली लाइफ की इवेंट्स में उनको अप्लाई करना ये इसका आंसर हो जाएगा द टू चेयरज चार्जेस अगेंस्ट साइंस आर दो चार्जेस क्या हैं साइंस के बींग डेफ टू मॉरल कंसिड्रेशन ठीक है एक या तो बहरे रहना मॉरल कंसिड्रेशन के लिए है ना टू चार्जेस हो गए और दूसरा और इंटरफियरिंग इन द एथिकल प्रॉब्लम विद डू नॉट कंसर्न और क्या करना इंटरफेयर करना किस में एथिकल प्रॉब्लम्स में बिना किसी कंसर्न के तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यह हमको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं उनको हमको फिल करना है समझ के अनुसार और कहीं ना कहीं बुक्स में दिए हुए हैं तो उनसे आपको ऐड करना है तो यहाँ मैंने आपको बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं ए अभी 51 पेज नंबर 51 की बात हो रही है दैन डवरेज मैन कहाँ रहता है तो इसका आंसर है द इमोशनल एंड एथिकल साइड जो इमोशनल है और जो एथिकल साइड है वहां पे ऑफ अ कैश रेदर दैन फैक्ट मतलब केस के रिगार्डिंग तक ही सीमित है वो फैक्ट्स तक नहीं आता बी द साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड अब साइंटिस्ट किस में इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुल लाइक जो सत्य है सत्य वाली चीज़ें हैं एंड इम्पार्शल फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में वो इंटरेस्टेड है तो इसका आंसर ये हो जाएगा नीगरोज आर नॉट इन्फीरियर टू अमेरिकन अब वो क्यों इन्फीरियर नहीं है अमेरिकन के क्यों बिकॉज दे आर वेरी लेबोरियस इन इंजॉय द इक्वल राइट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है मेहनत करने वाले हैं और इक्वल राइट्स को इंजॉय करते हैं इक्वल मानते हैं द डेथ रेट ऑफ द नीग्रो बढ़ती है एक्सीड्स होती है द बर्थ रेट इन कहाँ पे सदर्न टाउन्स में जो साउथ के साइड्स हैं एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ अब देखिए यहाँ पर इस्तेफी इन द ब्लैंक का आंसर ये हो जाएगा ई पर आते हैं द नीग्रोज ओरिजिनल होम इज़ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अब यहाँ पर इसका आंसर वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका नीग्रो का ओरिजिनल होम कहाँ पर है ये है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका नाउ द बर्थ रेट ऑफ द नीग्रोस एक्सीड्स अब जो बर्थ रेट है नीग्रोस का वो एक्सीड करता है द डेथ रेट इन अब जो डेथ रेट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सीड्स क्यों करता है अब देखिए द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सदर्न स्टेट जहाँ वो अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा बर्थ रेट जो होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा डेथ रेट के अकॉर्डिंगली के अनुसार नहीं तो द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सदर्न स्टेट इसका आंसर है द नीग्रोज लिव हेल्दीली एंड ब्रीड रैपिडली इन सदर्न स्टेट्स कॉटन फील्ड अब देखिए जो नीगरो होते हैं वो क्या करते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं और अच्छे से बच्चे पैदा करते हैं कहाँ पे सदर्न स्टेट कॉटन फील्ड यहां पे इसका आंसर ये होगा वी डू नॉट केयर वेदर अवर बिलीव रेस वेन हम कभी भी बिलीव नहीं करते हैं या कि कौन से हमारे लाइक like, हम कभी केयर नहीं करते हैं कि क्या हमारे बिलीव्स कैसे हैं रैशनल है तब जब वी आर इमोशनल अबाउट सब्जेक्ट जब हम किसी सब्जेक्ट के प्रति इमोशनल होते हैं तो इसका आंसर ये होगा ठीक है Now, attitude, disease, तो कही ना अकॉर्डिंग टू द प्री क्रिशन एटीट्यूड अ केस ऑफ डिजीज इज़ पनिशमेंट फॉर अ सिन तो कहीं ना कहीं जो प्री क्रिशन एटीट्यूड है उसके अनुसार डिजीज़ का के के केस क्या है पनिशमेंट ऑफ अ सिन नहीं उन्होंने बोला था कि किस तरह से उन लोगों को पाप की सजा मिलती है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अ केस डिजीज इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लॉ तो कहीं ना कहीं जो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लॉ यहाँ पर जो केस डिजीजेस हैं उसमें क्या है वो है एक मैनिफेस्टेशन है किसका नेचुरल लॉ का अब देखिए द फर्स्ट स्टेप अब जो पहला तरीका है या पहला कदम है इन रिटर्न टू द नेचर वुड बी तो पहला कदम क्या होगा नेचर की ओर आने का वो है डिस्कार्ड क्लोथ एंड टू इनवाइट न्यूमोनिया अब देखिए रिस्कार्ड क्लोथ इन इनवाइट निमोनिया का मतलब ये होता है कि क्लोथ को तार देना अब आप नेचर की ओर जाओगे तो क्लोथ को उतारोगे तो निमोनिया अपने आप आ जाएगा नाउ इन कंपैरिजन टू द सेविज मैन द लाइफ एक्सपेंडेंसी ऑफ अनसिविलाइज मैन इज शॉर्टर तो इसका आंसर शॉर्टर होगा कम हो जाता है सिविलाइज का ज़्यादा है अनसिविलाइज का कम हो जाएगा चलिए अब हम आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे जो कि मेन एक्सरसाइज का पार्ट है वो वाला पार्ट आके क्वेश्चन आंसर के साथ दिया था इसलिए मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ग्रुप्स में हमको डिस्कस करना है शुड साइंस बी गिविन द प्रिवलेज टू डिसाइड वॉट इज राइट और रॉन्ग तो क्या हमको ये स्पेशली एक चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए साइंस को ये प्रिवलेज प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है इसको आपको अपने ओपिनियंस के द्वारा बताना है ग्रुप में डिस्कस करना है साइंस शुड वी नॉट बी गिविन द प्रिवलेज जो विज्ञान है उसको हमको इतना कुछ स्पेशल पावर्स नहीं देना इतना कुछ प्रिवलेज नहीं देना है टू डिसाइड वॉट इज राइट क्या सही है और क्या गलत है साइंस डील विद नेचुरल फिनोमिना साइंस साइंस क्या करता है नेचुरल फिनोमिना से डील करता है इट थिंक्स ह्यूमन माइंड वर्क एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल्स इसका मानना ये है कि जो ह्यूमन माइंड है जो हमारा माइंड है न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं केमिकल्स प्रोसेसिस के द्वारा क्या करता है काम करता है इट डज़ नॉट बिलीव इन सोल ये आत्मा पर विश्वास नहीं करता द होल यूनिवर्स केम इन टू बींग एज अ बिग बैंग उसका मानना यह है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो बिग बैंग के द्वारा आया लाइफ ऑन अर्थ इवोल्व थ्रो केमिकल रिएक्शन्स और जो लाइफ है हमारे यहाँ की वो कैसी इवोल्व हुई केमिकल रिएक्शन्स के द्वारा जो इसको गॉड ने नहीं बनाया बिकॉज देर इज़ नो गॉड कोई भगवान नहीं है बट मैन इज नॉट अ रोबोट लेकिन आदमी जो है वो रोबोट नहीं है तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि ग्रुप में आपको डिस्कस करना है इसको अब आपने ए ग्रुप बनाया बी ग्रुप बनाई है ए में पांच लोग जाएँ बी में तीन चार लोग जाएँ अब क्या करना है डिस्कस करना है बस तो यहाँ पर हमने एक बेसिकली मैंने आपको एक आउटलाइन बताया है ना अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो विज्ञान है कहीं ना कहीं ईश्वर को खारिज करता है ठीक है उसका मानना यह है कि जो ईश्वर है वो नहीं है कहीं ना कहीं हर एक चीज बायोलॉजिकली चीजें हो रही हैं नेचर के द्वारा हो रहा है तो आप लोग इन विषयों में अपने और भी पॉइंट को जोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि और क्या हो सकता है सर क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ आप भी मेरे से बात करिए हमारे बीच में कनेक्टिविटीज और बढ़ेंगी ऑल राइट लेट एस मूव फर्दर साइंस कैन नॉट डिसाइड व्हाट मेक्स ह्यूमन बींगी अब देखिए क्या आपको लगता है कि विज्ञान डिसाइड कर सकता है, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है सेट पैटर्न कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सेट पैटर्न है जैसे कि मैंने बोला उदाहरण के तौर पर ये है अमन ठीक है ही इज अमन अब अमन को अमन का पैटर्न है माइंड का कि सुबह सुबह उसको कैसा लगेगा अच्छा फील होगा फिर शाम को उसको बैड फील होगा क्या आपको लगता है जिंदगी भर उसको ऐसे ही लगेगा क्या, क्या कोई पैटर्न फिक्स है उसका नहीं भाई अमन को हो सकता है सुबह अच्छा ना लगे हो सकता है न्यूट्रल रहे ये डिपेंड नहीं है पैटर्न फिक्स नहीं है तो वैसे यहां पर भी कोई भी चीज फिक्स नहीं है साइंस कैन नॉट डिसाइड वॉट इज राइट और वॉट इज रॉन्ग साइंस कभी डिसाइड नहीं कर सकती क्या सही है क्या गलत इट कैन नॉट डिसाइड वॉट काइंड ऑफ क्लोथ वी शुड बी आर अब देखिए मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपने देखा होगा बाहर के लोगों को पॉप डांसर्स को देखा होगा ना पॉप डांसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं आपने देखो देखोगा बड़ी बड़ी बाली पहन लेते हैं लिपस्टिक लगा लेते हैं लाइक दे शो दैम सेल्व एस दे आर वन ऑफ द मोस्ट लाइक दुनिया के सबसे महान एक like ऐसे व्यक्ति हैं जिनको और कैमरे जाएँ ना अपने आप को इस तरह सजाते हैं वो आपने देखो कुछ लड़के लड़कियों के गेटअप में रहते हैं कुछ लड़कियां लड़कियों के गेटअप में रहती हैं तो क्या विज्ञान ने ये नहीं कहा कि आप लोग इन चीज़ों को चेंज कर लो आपकी जो इच्छा है वो करो आप इट कैन नॉट डिसाइड वेदर गोइंग टू टेम्पल्स इज राइट और रॉन्ग भाई अगर मुझे मंदिर जाना है तो मैं भगवान शिव के मंदिर भी जा सकता हूं मैं राम के मंदिर जा सकता हूं ऐसा थोड़ी कहेगा कि विज्ञान कि आप शिव शिव के मंदिर में ना जाए आप तो विष्णु के मंदिर में जाए ऐसा नहीं कहेगा इट इज डिपेंड अपॉन यू इट कैन नॉट डिसाइड वेदर हेल्पिंग अ मैन इज नीड इज राइट और रॉन्ग हमको यहां पर ये देखना है कि वेदर हेल्पिंग अ मैन मतलब आदमी की मदद करना सही है या गलत है इन शॉर्ट साइंस कैन नॉट डिसाइड वॉट इज राइट और रॉन्ग लाइक विज्ञान कभी भी ये आप लोगों के सामने नहीं कहने वाला या उसके द्वारा ये प्रदर्शित होने वाला है सही क्या है गलत क्या है कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल है और कहीं ना कहीं ये गॉड्स का व्यू की तरह है तो स्टूडेंट्स आप अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं दे विल इनरिच योर पार्ट है ना इसको बहुत अच्छा बनाएगा सो लेट गो हैड आगे बढ़ते हैं सो so, अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स बी पार्ट कवर करेंगे इन साइंस इज इज साइंस डेफ और मॉरल कंसिडरेशन इज साइंस डेफ टू मॉरल कंसिडेशन अब देखिए या तो साइंस डेफ है टू मॉरल कंसिडरेशन है ना आपको ये समझना है यहाँ पर क्या साइंस डेफ है मॉरल कंसिडरेशन के लिए हाउ किस तरह से आपको उदाहरण देना है इन फेवर ऑफ़ योर आर्ग्यूमेंट्स है ना इन आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए ना बताना है कुछ तो ये एक तरह से एक स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हमको ये बताना है कि आप लोगों को पहले तो ये देखना होगा कि मॉरल कंसिडेशन क्या होते हैं देखिए हर एक आदमी ना अपने खुद के वो बनाता है वैल्यूज़ होते हैं ना टर्म्स होता है रेगुलेशनस होते हैं उनकी खुद की सोच होती है प्रिंसिपल्स होते हैं तो क्या साइंस डेफ है इन मॉरल कंसिडेशन के लिए तो इनके लिए हमें देखना होगा यह वाला आंसर इन थ्योरी साइंस इज टोटली डेफ टू मॉरल कंसीडरेशन कहीं ना कहीं ना जो साइंस है ना वो टोटली बहरा है किसके लिए मॉरल कंसिडरेशन के लिए इट इन्वेंट्स थिंग्स ये क्या करता है चीज़ों को बनाता है इट डिस्कवर्स फैक्ट्स ये फैक्ट्स को डिस्कवर करता है बट इट इज़ नॉट कंसर्न टू वॉट यू यूज हेयर डिस्कवरीज आर पुट टू अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बट इट इज़ नॉट कंसर्न टू वॉट यूज़ वॉट यूज़ हियर डिस्कवरीज और पुट टू वॉट अब यहाँ ना आप अगर ध्यान से देखें उदाहरण के तौर पर साइंस हैज़ डिस्कवर्ड साइंस डिस्कवर्ड की है हाउ किडनी कैन बी ट्रांसप्लेटेड लाइक किडनी को हम कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बट इट इज़ देफ टू इट्स एप्लीकेशन बट उसका जो एप्लीकेशन है उसके लिए वो 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 बहरा है अब देखिए अब मैनज किडनी में भी रिमूट बाय फ्रॉड हो सकता है उसको फ्रॉड के द्वारा हटाया जा सके साइंस इज़ नॉट कंसर्न साइंस इससे कंसर्न नहीं है साइंस हैज़ डिस्कवर्ड फिशन ऑफ़ एटम्स साइंस ने क्या करा एटम्स का फिशन के बारे में निकाला इट वॉज नॉट कंस इफ न्यूक्लियर वेपन मासनर मेड देखिए करता तो है साइंस है ना साइंस हेल्प तो करता है कहीं ना कहीं लेकिन उसके जो बैक पॉइंट हैं या आप कह सकते हो लूपॉल्स ना मेन फ्लॉज क्या हैं समस्याएं क्या है उसके बारे में हम ज्यादा देख नहीं पाते ज़्यादा समझ नहीं पाते नाउ साइंस हैज फाउंड अ वे टू क्लोन ह्यूमंस जो साइंस है उसने क्या करा है अब ह्यूमन्स को क्लोन करना चालू कर दिया है नाउ दे आर हैप्पी एट द डिस्कवरी अब देखिए क्लोन क्या होता है आपने सुना होगा नहीं क्लोन क्या है मैं आपको एक इनडेप्थ in इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि जैसे ये आदमी है अगर मैं इसका डुप्लीकेट बना एज इट इज ऐसे ही आदमी बना दूं मैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा तो क्लोनिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं ये होता है ह्यूमन क्लोन्स बनाए जाते हैं जो इन्हीं का एकदम डुप्लीकेट होता है पर रियलिटी में वो नहीं है बहुत सारी मूवीज हैं ऑनलाइन मूवीज हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि ह्यूमन क्लोन्स कैसे बनाते हैं और उनका मिसयूज किया जाता है वैसे तो ये अभी एकदम प्रॉपरली प्रूव्ड नहीं है पर कोशिश किया जा रहा है नाउ दे आर हैप्पी एट दिट अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने डिस्कवरी पर बट दे आर ब्लाइंड टू द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिस्कवरी कैन लीड टू लेकिन उनको ये नहीं पता कि बढ़ते विज्ञान के चरणों से कहीं ना कहीं उन पर ही कुछ प्रभाव आना पड़ जाए नेगेटिव

सार इडिया नहीं कोई सार तत्व नहीं इट इज प्रैक्टिस बाय ह्यूमन ये कहीं ना कहीं ह्यूम की द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है सो दे डू शो देयर कंसर्न इसलिए वो क्या करते हैं अपना कंसर्न दिखाते हैं अबाउट मॉरल कंसिडरेशन मॉरल कंसिडरेशन कि देखा अब देखिए राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट हंड्रेड वर्ड्स सो शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है ऑन द फॉलोइंग साइंस एंड मोरालिटी साइंस और मोरालिटी पे लिखना है चलिए देखते हैं साइंटिस्ट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व इन टू मोरल साइंस इशूज़ भाई साइंस इतना ज़्यादा भाई भतीजावाद का नेपोट लाइक इस तरह नहीं है कि तुम मेरे भाई मेरी बहन लाइक कोई लगाव इमोशन जैसा कुछ भी नहीं होता साइंस में इस चीज़ को आप समझिए यहाँ ना रैशनल एटीट्यूड है आपको ये नहीं समझना कि एकदम नीरस नहीं उदास नहीं सही गलत नहीं नेशनल एटीट्यूड है इसका ना ये कोई मॉरल इशूज़ में ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता दे हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ नेचर वेज ऑफ नेचर एंड हाउ टू कंट्रोल दैम क्या है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विज्ञान जो है कहीं ना कहीं ना वो प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा है प्रकृति कैसे काम करती है प्रकृति के द्वारा क्या क्या निष्क्रिय बनाया गया क्या क्या सक्रिय बनाया गया इन सब पर हर एक चीज़ को फोकस किया जा रहा है ना द डिस्कवरीज़ इन ओल्ड टाइम डिड नॉट हैव एज फार रीचिंग कॉन्सक्वेंसेज एज यू नाउ एज डू नाउ अब देखिए पहले के समय में क्या होता था पहले के समय में स्थिति अलग थी लेकिन आज की स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं पूर्व की परिस्थितियों में हमारे पास इतना मॉडर्न साइंस नहीं था लेकिन आज हमारे पास मॉडर्न साइंस अवेलेबल है पहले के लोगों में इतना कुछ भी नहीं था कि मुझे नहीं आता मुझे कुछ नहीं करना नहीं ऐसा नहीं उन लोगों को क्या था कि वो लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी जीते थे लेकिन आज हम विज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं नाउ द वर्ल्ड इज लाइक स्मॉल विलेज तो जो आज की दुनिया है वो एक छोटे विलेज की तरह है द एप्लीकेशन ऑफ साइंस अफेक्ट द होल ह्यूमैनिटी जो साइंस है जो एप्लीकेशन है साइंस को उपयोग है वो पूरे मानव जाति को इम्पैक्ट दे रहा है नाउ द साइंटिस्ट मस्ट कीप मॉरल क्वेश्चन आप साइंटिस्ट को क्या करना है मॉरल क्वेश्चन को रखना है इन माइंड अपने माइंड में मॉरल क्वेश्चन को बना के रखना है ही कैन नॉट बी एमोरल आप एमोरल नहीं हो सकते मॉरल हो सकते लेकिन अच्छी वैल्यूज हर एक चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होता है एंड नाउ वी सी दैट साइंटिस्ट डू रेज मॉरल क्वेश्चन और कहीं ना कहीं आज के युग में क्या हो रहा है मॉरल क्वेश्चन को रेज किया जा रहा है दे रेज देर वॉइस अगेंस्ट यूज ऑफ एनिमल्स फॉर रिसर्च कहीं ना कहीं वे क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं वह अपनी वॉइस यानी अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हैं अगेंस्ट द एनिमल्स फॉर रिसर्च आप लोगों को पता होगा कि एक सप्ताह हाँ बनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह हाँ बनाया जाता है एक से लेकर सेवन्थ अक्टूबर में भोपाल में और भी जगहों में बनाया जाता है तो जैसे कि वहाँ पर बहुत से प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं बहुत कुछ कराया जाता था और अभी भी कराया जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वल्चर्स को सेव करना टाइगर को सेव करना कहीं ना कहीं वो लोग कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी लेकर आ रहे हैं कि कैसे उनको बचाया जाए दे वॉन्ट दैट दे डिस्कवरी शुड बी गुड टू ह्यूमैनिटी वो लोग चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ये जो डिस्कवरियाँ दिस्क, हैं खोज हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट रहे उनको इमोरली परेशान ना करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपारथाइड एंड ह्यूमन राइट्स अब देखिए यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अब देखिए गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बींग्स अलाइक ह्यूमन डिग्निटी डिमांड्स दैट दे शुड इंजॉय इक्वल ह्यूमन राइट्स अब जो हैं वो क्या डिमांड करते हैं हर एक आदमी की अपनी इच्छा होती है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं दैट दे शुड इन्जॉय इक्वल ह्यूमन राइट्स वो क्या करें वो इन्जॉय करें एक ह्यूमन राइट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक अधिकार है और वो अधिकार सामने वाले के पास नहीं है या हो सकता है मेरे अधिकार को लोग मान रहे हों सरकार लेकिन उनके अधिकार को नहीं मान रही लाइक अधिकार बराबर मिलना चाहिए बट पावरफुल पीपल वेर एवर दे आर हैव क्रिएटेड डिवीज़न बिटवीन मैन एंड मैन अब देखिए क्या होता है कहीं ना कहीं आदमी और आदमी के बीच में भी लोगों ने डिवीज़न किया है इन इंडिया इट हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय पावरफुल अपर कास्ट्स अगेंस्ट दलित देखिए आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि एक बार जब अंबेडकर जो थे छोटे थे तो उनको बाहर कर दिया गया था बिकॉज़ वो दलित थे पढ़ने ही नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था इस कारणवश क्या हुआ इस कारणवश कहीं ना कहीं लोगों को दबाया गया लोगों के साथ जो अधिकार होते हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ अब आदमी हर आदमी को एजुकेशन का राइट है आप सभी को पता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ तो उदाहरण के तौर पे बताना जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे तो इन अमेरिका यदि हम अमेरिका की बात करते हैं दी एफ्रीकन अमेरिकन हैव बीन सोल्ड एंड वॉट एज स्लेव्स अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं ना लाइक इन अमेरिका हम अमेरिका की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो अफ्रीकन हैं हैंव बीन सोल्ड उनको बेच दिया जाता था और उनको स्लेव बना के रखते थे अगर आप लोग जानना चाहते हैं और डिटेल में तो इनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं जब इतिहास की किताब का भी अध्ययन करेंगे तो उस क्षण आपको ये बात ज्ञात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन लोग थे वो लोग क्या करते थे वाइट लोग उनको बेचा करते थे यहाँ तक कि एक कुछ किताबें हैं एक बिलव्ड नाम की किताब है उसमें बताया गया है कि किस तरह से औरतों के साथ भी गलत किया जाता था तो बहुत अत्याचार हुआ इन लोगों पे दो एब्राहम लिंकन सेट द फ्री तो जो एब्राहम लिंकन थे आप सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन कौन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बताइए सेट द नीग्रोस फ्री उन्होंने क्या करा नीग्रो को फ्री कर दिया स्टिल मैनी वाइट अमेरिकन लुक डाउन अपॉन दैम और जो इतने सारे अमेरिकन थे उन्होंने क्या करा उनके नीचे देखा दे आर नॉट अलाउड टू गो इन मैनी रेस्टोरेंट्स उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था कि वे किसी रेस्टोरेंट में जाएं। इन साउथ अफ्रीका अपरथाइट वॉज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट स्टिल थ्रू द सेक्रीफाइजेस इन स्ट्रगल बाय मैन लाइक नैंसल मंडेला इट वॉज डन अवे विथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपारथाइड इज अ ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब जो नेल्सन मंडेला हैं आप उन सबको जानते होंगे उन्होंने भी इस फील्ड में बहुत काम किया बिकॉज वो भी ब्लैक मैन थे और कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसे आई जिसके तहत उन्होंने ऐसे कदम उठाए उनको जेल हो गई थी बहुत सारी कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसको अपारथाइड भी कहते हैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज में सिविल वॉर जब हुआ था तब यहां पर उस वर्ड के इस तरह यूज किया गया और ह्यूमन राइट्स तो ओवरऑल ये जो कंपोजिशन जो हम देख रहे हैं ये हमको इस तरह से लिखने का प्रयास करना है अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हाउ फार साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन अडोप्टेड इन इंडिया अभी तक की अगर हम बात करें तो क्या वे कितना ज़्यादा हमने उपयोग किया है कितना ज़्यादा हम उसको अपने जीवन में लेकर आए हैं किसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है यानी वैज्ञानिक पॉइंट जो है इंडिया में कब और कैसे अडप्ट किया गया आप इसको मैंशन कर सकते हो इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैंशन की हैं आप इनसे भी अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इंडिया हैज एंटर्ड द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी भारत जो है अब इक्कीसवीं शताब्दी में आ चुका है प्रवेश कर चुका है बट वी हैव हैडोप्टेड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट लेकिन अब तक हमने क्या करा अभी तक हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत कम लिमिट तक लिया है ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया है कम मात्रा में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे यहाँ आए हैं इवन टुडे अगर हम आज की बात करते हैं पीपल बिलीव इन स्टार्स इन एस्ट्रोलॉजी इससे क्या समझ में आता है इसका अर्थ है कि हम आज के समय भी कुंडली देखते हैं ना लड़की मांगलिक है कि नहीं है लड़का है उसकी शादी कैसे होगी ना एस्ट्रोलॉजी स्टार्स वो तारे कैसे हैं उसका तारा कैसा है शुक्र कम है लाइक लाइक दीज थिंग्स ना हम इनका डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का जो एक असर पड़ रहा है है ना अब मंगल ग्रह है तब वो तो ग्रह है लेकिन उसका भी असर पड़ रहा है हम पे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये विश्वास और मान्यताओं पर निर्भर करता है मैरिजेज आर फिक्स्ड आफ्टर द होरोस्कोप्स ऑफ़ द बॉयज एंड गर्ल्स अब मैंने आपको यहाँ बताया ही अब लड़की अगर मांग लेके अब मैंने आपको एक कहानी बताई थी ये बताया था मैंने कहानी में कि एक लड़की थी अगर उसको कहा गया कि यदि तुम्हारी शादी किसी लड़के के साथ हो गई तो क्या होगा वो मर जाएगा तो उनकी फैमिली वालों ने क्या करा एक कुत्ते के साथ उसकी शादी करवा दी इससे क्या होगा अब जब उसकी शादी कुत्ते के साथ करवा दी तो क्या हुआ अब जो उसका होने वाला पति है होगा उसकी साथ शादी होगी तो वो पत्नी की मांगलिक होने के कारण या कुछ भी है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी तो कुछ इस तरह के जो सुपरस्टिशंस हैं बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एस्ट्रोलॉजर्स आर कंसल्टेड फॉर मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर ऑस्पिशियस फंक्शंस मान लीजिए कोई मर गया फॉर एन एग्जाम्पल कोई मर गया तो हम कहते हैं पंचक लगा है पंचक लगा है तो उसके लिए पांच गोबर का कुछ बनाओ आटे का कुछ बनाओ लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स वो बनाते बोलते अशुभ हो गया अशुभ हो गया ना बहुत सी जगहों में आपने देखा होगा इवन प्राइम मिनिस्टर हैव टेकन ओथ्स ऑफ देयर ऑफिसेस इन कंसल्टेशन विद एस्ट्रोलॉजर्स एंड गुरु बिलियंस ऑफ पीपल स्टिल कंसल्ट विध डॉक्टर्स टू ट्रीट एलमेंट्स है ना अब उनकी बीमारियाँ हैं एलिमेंट्स हैं तो किस क्या करते हैं वे लोग इन सब चीज़ों से कंसल्ट करते हैं मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि ये हमारे भारतीय ट्रेडिशन का भाग है पर चूंकि तब भी अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सब चीज़ों को कभी इंक्लूड नहीं करता नो एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ इज़ अनटचड बाई अनफाउंडेड बिलीफ एंड अनसाइंटिफिक एटीट्यूड कहीं ना कहीं हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को उपयोग नहीं करते जितना समय अगर हम इसमें गवाते हैं यदि हम उसी को प्रोडक्टिव काम करने में लगा दें तो कितना बढ़िया होगा इवेन समी वी चैनल्स हैिगिन टू इन्वाइट एस्ट्रोलॉजर टू फॉर्टेल फ्यूचर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ़ द व्यूअर्स अब आपने देखा होगा टेरोकार्स को देखा है कि जिसका बर्थडे एक तारीख को आता है उस एक नंबर पर आज ये दिक्कत आ जाएगी महेश राशि पर ये आ जाएगा उस पर ये होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अनसाइंटिफिक मानी गई ट इस कम टू वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज चलिए एक्सरसाइज नंबर वन देखते हैं करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आपको क्या करना है यहां पर स्टूडेंट्स जैसे कि आपके पास डिक्शनरी है तो डिक्शनरी खोलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिर क्या करना है आपको स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है ठीक है इन वर्ड्स का अब देखिए यहां स्पेलिंग्स बिल्कुल भी, भी सही नहीं लेकिन अगर हम पढ़ते तो हमको समझ में आएगा अब इसे बिलीफ क्स्टरी कलीग साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स स्कैप्टिसिजम कुछ वर्ड्स हैं। अब देखते हैं इनका सही मीनिंग क्या है सही वर्ड्स स्पेलिंग क्या है बिलीव की स्पेलिंग होती है b ई एल आई ई एफ अब देखिए यहां पर क्या हुआ यहां पर आई यहां आना था और यहां आना था ठीक है तो ई और आई की मिसप्लेसमेंट हो गया यहां पे अब देखिए इक्ुब्ड तो यहां पे डबल पी आता है अब देखिए ए आर है एनसिस तो एंसिस्टरी तो यहां पर आर वाय आता है ठीक है तो यहां पर पी का रोल था यहां पर ए नहीं आना था ठीक है यहां ए नहीं आना था कली की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा कली तो यहां पर डबल एल आता है साइंटिफिक तो आई ई -E होता है तो वही इशू यहाँ पर वही इशू यहाँ पर आया स्टैटिस्टिक्स होता है तो स्टैटिस्टिक्स होगा है ना स्केप्टिसिज्म है अब यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे जैसे बुक है आपकी ऐसा नहीं है कुछ जगहों पे स्केप्टिसिज्म भी होता है लेकिन यहाँ पर सेप्टिसिज्म की बात हो रही है तो यहाँ पर हमको सी का यूज़ करना है स्पेलिंग्स को आप ध्यान रखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है यहां पे बिकॉज कभी कभी जब हम स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं समझते हैं तो दिक्कतें है आती हैं इसीलिए ये एक्सरसाइजेस आपके लिए बनाई गई हैं लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अब आपको क्या करना है इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स को देखना है इट इज फूलिश टू थिंक दैट द आउटलुक अब ये पैराग्राफ नंबर टू की बात हो रही है विच हैज ऑलरेडी बैनिस्ड अंडर फीडिंग एज अ कॉज ऑफ इल हेल्थ नाउ यू सी दैट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल दर्ड आउटलुक इज मेड ऑफ टू वर्ड्स आउट एंड लुक अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स बने आउट और लुक्स ना अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देखिए ओ यू टी एल डबल ओ के देख रहे हैं आप ये आउटलुक तो ये दो किनसे बनाए दो वर्ड से बनाए आउट और लुक इन दोनों को मिला के बना तो इन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं तो वहां पर देखिए अंडर फीडिंग, हेल्थ। सो वर्ड अंडर फीडिंग इज मेड अप ऑफ अंडर एंड फीडिंग एंड इल हेल्थ ऑफ इल एंड हेल्थ। आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आइस क्रीम लाइक दिस ओनली अगेन हम वापिस से कम्पाउंड वर्ड्स में आ गए द लेस फ्रीकुंटली यूज कम्पाउंड वर्ड्स है हाईफिन बिटवीन द वर्ड्स उन दोनों के बीच में क्या होता है हाईफिन होता है अब यहाँ पर देखिए जो कम यूज़ होने वाले कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनमें हाईफिन का कम यूज़ होता है हाइफन का यूज़ होता है ना वेर इज़ द मोर फ्रिक्वेंटली यूज कैन बी यूज विदाउट एनी हाईफन और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनमें हम कभी भी हाइफिन का यूज नहीं करते पिक अप द कंपाउंड वर्ड्स अब आपको क्या करना है कंपाउंड वर्ड्स को पिकअप करना है फ्रॉम द लेसन एंड लुक अप अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग और हमको क्या करना है डिक्शनरी में देखकर उनका मीनिंग निकालना है सो डू नॉट टेक टेंशन डियर स्टूडेंट्स आई हैडी टेक ए आउट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं यहाँ पे तो आपको निश्चिंत रहना है बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उसका मीनिंग अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ओमनी बस तो देखिए हॉर्स ड्रॉन मतलब पुल बाय अ हॉर्स अब ऑटोमेटिक पिस्टल ये भी तो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर कंपाउंड वर्ड बना है दैट कंटिन्यूज टू फायर स्टैंड पॉइंट एक ओपिनियन होता है इट इज माय स्टैंड पॉइंट दैट माय फादर इज अ वेरी एंग्री मैन बहुत गुस्सेल आदमी है ये मेरा पॉइंट है ओपिनियन है ट्रुथफुल सेइंग ओनली व्हाट इज ट्रू यरफुल विथ केयर अब देखिए यहां पर वही है सेइंग ओनली व्हाट इज ट्रू ये दोनों सेम है कोई इशू नहीं मीनिंग विथ केयर अच्छे से कीप दैट वैस केयरफुली गॉड्स आई व्यू द एटीट्यूड ऑफ बीइंग कंप्लीटली अनबायास्ड देखिए अनबायास्ड का मतलब ये होता है आपने सुना होगा ना कि वो पक्षपात ना करना बायसनेस का मतलब होता है पक्षपात और अनबायसनेस का मतलब होता है पक्षपात नहीं करना बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट दक्ष आदमी ऑफ डेथ पर ईयर पर थाउजेंड कितने लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं द नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर पर थाउजेंड ना कितना जन्म हो रहा है कितने लोगों पे वाटर बॉर्न बॉर्न इन वाटर अब आपने सुना होगा ना पानी में पैदा होने वाला पॉल्यूशन तो वाटर बॉर्न बॉर्न इन वाटर अंडर फीडिंग हैविंग लिटिल फूड टू एट अब हम बोलते हैं अंडर फीडिंग जिसको खाना मिल रहा है बहुत कम इल हेल्थ इल हेल्थ इज नॉट गुड पुअर हेल्थ अच्छी हेल्थ ना होना पब्लिक एफर्ट द एफर्ट मेड बाय द पीपल बोलते हैं ना कि पब्लिक का एफर्ट है तो कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं कंपाउंड वर्ड्स का यहाँ पर इसका मीनिंग निकल निकलकर आ रहा है सेल्फ सेक्रीफाइस सेल्फ नेग्लिजेंस अपना बलिदान देना को ऑपरेशन अब को अलग है ऑपरेशन अलग है एक साथ काम करना टू वर्क टुगेदर, ह्यूमन एफर्ट आदमी का एफर्ट एफर्ट मेड बाय मैन काइंड डिसबिलीव डिसबिलीव कोई बिलीव, दिस बिलीव को नहीं होता सेप्टिसिज्म मुझे तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है वो तो होते ही नहीं है कुछ लोग ऐसा कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स चलिए तो अब यहां पर हमको क्या करना है वापस से वर्ड फॉर्मेशन पर आ रहे हैं यहां पे कुछ उदाहरण दिए हैं एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इंटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर अ कलीग ऑफ माइंड वॉज रिसेंटली ट्रांसलेटिंग अ फ्रेंच पेपर यू सी दैट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एग्जेक्टिव प्रिवेंटिव इज द राइट फ्राम दर्ब प्रवेंट इन द सेकेंड एग्जाम्पल प्रार्टिसिपल ट्रांसलेटिंग इज द राइट फ्राम दर्ब ट्रांसलेट इन फैक्ट अंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी डी राइड फ्राम अ वर्ब एज एलोस्ट्रेटेड बिलो अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक वर्ब है उस वर्ब पे हम कुछ जोड़ते हैं कुछ वर्ड्स आखिरी में उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं इसी वर्ब को चेंज कर करके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बना सकते हैं अगर अप्लाई है तो मैं अब यहाँ पे आई डी जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा विशेषण बन जाएगा अगर मैं यहाँ पर केशन जोड़ दूँ, एप्लीकेशन बना दूँ, तो ये नाउन बन जाएगा अप्लायंस बना दू तो ये नाउन बन जाएगा एप्लीकेबल बना दू तो एडजेक्टिव हो जाएगा एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक ही वर्ब से कितने सारे वर्ड्स को बना सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं राइट एज मैनी वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब डिराइव का मतलब क्या होता है किसी से किसी चीज का बनना तो अब ड्राइव से भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं स्टडी बिगिन एक्सेप्ट कंस्टिट्यूट कंप्रहेंड एडवर्टाइज प्रिवेंट बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आंसर्स पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स ड्राइव अब ये एक वर्ब है तो ड्राइविंग कर रहा है तो नाउन हो गया ड्राइवेबल एडजेक्टिव हो गया स्टडी स्टडियसनेस जुड़ गया नाउन हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया स्टडियसली एडवर्ब हो गया बिगिनिंग नाउन हो गया एक्सेप्टेंस आपका नाउन है एक्सेप्टेशन नाउन है एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है एक्सेप्टेबिली एड वर्ब है एक्सेप्टेबिलिटी नाउन है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बस चीज़ों को जोड़ के उनको चेंज करते जा रहे हैं अब कंस्टिट्यूट एक वर्ब है कॉन्स्टिट्यूशन नाउन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडजैक्टिव हो गया बोलते ना कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस कंस्टिट्यूटिव हो गया एडजैक्टिव कॉन्स्टिट्यूटिवली भी एड वर्ब हो गया कंप्रहेंड वर्ब है कंप्रहेंडिंग कंप्रहेंशन नाउन है एडवर्टीज एडवर्टाइज करना वर्ब है एडवर्टीजमेंट नाउन है एडवर्टाइजिंग नाउन है क्रिया ही है एक ही क्रिया को नाउन में बदल दिया प्रिवेंट प्रिवेंशन प्रिवेंटिंग प्रिवेंटेबल अब देखिए ये दोनों नाउन हो गए ये एडजेक्टिव है ये प्रिवेंटिव प्रिवेंटेटिव एडजेक्टिव हो गया तो इस तरह से हम क्या करते हैं वर्ब को चेंज करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू कम आवर्स बेस्ट एक्सरसाइज हमारी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कॉलम ए और कॉलम बी अब देखिए हमको मैच करना है तो अब जैसे गॉड का आई व्यू क्या होता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक्सपोनेंट लिंच एनलाइटेंड है ना तो इनका जो कॉलम ए में जो दिया है उसको हमको मैच करना है कॉलम बी से तो मैंने यहां पर आंसर्स निकाल के रख लिए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गॉड्स आई व्यू भगवान अब इसका मीनिंग क्या है ड कंप्लीटली अनबायास्ड एंड न्यूट्रल यानी हमें पक्षपात रहित होते हैं वो गॉड्स आई व्यू का मीनिंग ये है पक्षपात रहित होना और न्यूट्रल रहना है ना सुना होगा न्यूट्रल आदमी है ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है ऐसे ही है बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑन बैक्टीरिया और जर्म्स ये एक एक्सपर्ट होते हैं जो बैक्टीरिया और जर्म्स की पढ़ाई करते हैं एक्सपोनेंट्स भी आते हैं न पर्सन हु पुट सम व्यूज फॉरवर्ड विद एक्सप्लेनेशन आपने सुना होगा इस सब्जेक्ट के ये ये एक्सपोनेंट रहे हैं ये कुछ तो योगदान देता है ना आदमी लिंच बीट अप एंड किल हमने सुना होगा मोब लिंचिंग हो गई इकट्ठा होगी लोगों ने उनको मार दिया पीट दिया डोगमा अनरीजनेबल बिलीव डोगमाज होते हैं कुछ भी सोच की एक धारणा बना लेना और उसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना डोगमा है टिंग का मतलब होता है शार्प पैन इनलाइट वेल इन्फॉर्म्ड या जिसको बहुत अच्छी जानकारी हो निमोनिया क्या है अब हमने पढ़ा था चैप्टर में ये रीड किया था कि उनसे कहा जाता है कि नेचर की ओर आना बढ़िया है लेकिन वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर हम कपड़े उतारेंगे तो हमको निमोनिया हो जाएगा अ तो डिज़ीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये एक डिजीज़ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायबिटीज़ अ डिजीज कॉज बाय इंसुलिन डिफिशियंसी इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण ये एक प्रॉब्लम होती है इनक्यूलेशन वैक्सीनेशन को कहते हैं कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल्स से जो बीमारी होती है उसको सही करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल्स के द्वारा ये केमिकल्स के लिए बैक्टीरिया क्या होता है अब आपने सुना होगा मल्टी सेलुलर यूनि ऑर्गेनिजम्स तो इनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है विच अ पर्सन प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी है ना जादू टोना करने वाले लोग आपने सुना होगा मारण तारण है ना एक तंत्र मंत्र की बातें होती हैं ये तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं लोग बिच क्राफ्ट करते हैं आपने अगर अमेरिका वगैरह में देखा होगा चुड़ैलें कैसी होती हैं अपनी झाड़ू ले कर उड़ती हैं ना भारत की चुड़ैलें अलग होती हैं तो विच की बात है विच में हर कोई आ जाता है जो जादू का काम करता है लेबोरेट्री रूम ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अब जब आप कभी भी अपने लैब में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कितने सारी चीज़ें रखी हुई हैं केमिकल्स रखे हैं कभी कभी तो बायोलॉजी की लैब भी वहीं रहती है तो अलग अलग लैब होती है केमिस्ट्री की लैब अलग होती है फिजिक्स की लैब अलग होती है तो लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात हमारे हाथ में क्या आता है रिजल्ट आता है रीड द लेसन केयरफुली अच्छे से पूरे पार्ट को पढ़िए एंड फाइंड आउट देंटेंसिस इन विच द फॉलोइंग मेक सेंटेंस यूजिंग नाउन एंड इज एडर्ब दिए हैं बेनिफिट्स अब आपको क्या करना है अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और उसके बाद इन विच द फॉलोइंग कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं उनको यूज करके आपको क्या करना है नाउन और एडवर्ब्स बनाने अब जैसे बेनिफिट्स तो अगर ये नाउन है तो क्या होगा अब देखिए सेंटेंस को हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इट विल बी टू यूर बेनिफिट टू अराइव अर्ली तो अभी यहाँ पे नाउन के फॉर्म में तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि यदि आप यहाँ अराइव हो जाएँ तभी तो नाउन के फॉर्म में अब जैसे एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ होगा यू शुड स्पेंड द मनी ऑन समथिंग दैट विल बेनिफिट मच एवरी वन जो बाकी सब लोगों को क्या पहुँचाएगा बेनिफिट पहुँचाएगा प्लेस को नाउन की तरह यूज करा सेंटेंस में यू कैन नॉट बी टू प्लेसेस एट वंस आप दो जगहों में एक बार नहीं रह सकते एडवर्व कमी फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे द पार्किंग एरियाज इन द टाउन आर फ्यू बटकली स्ट्रेटेजिकली प्लेस तो यहां पर इस तरह यूज किया व्यू हम अपना व्यू लेते हैं दैट इट वुड बी रॉन्ग टू इंटरफेयर तो ये हमारा व्यू है हम इस व्यू को लेते हैं तो हमने नाउन की तरह यूज किया यहां पर कि ये जो इंटरफेरेंस करना है वो गलत है अब एडवर्ब कैसे यूज होगा द डिजाइन ऑफ द हाउस वॉज व्यूड देखा गया एज हाईली ओरिजिनल है ना तो व्यूड के तौर पे यूज हुआ तो यहां एडवर्ब है यहाँ नाउन के फॉर्म में यूज हुआ अब बाज नाउन है उसको फिर एडवर्ब और नाउन दोनों के तरह से सेंटेंस में यूज करना है द पास मार्क इज फिफ्टी मार्क परसेंट तो पासिंग मार्क है ना पास पास मार्क है ना पासिंग मार्क्स जो है फिफ्टी परसेंट है एडवर्ब बहाँ पे ही स्पीक्स पासिबली गुड इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश बात में इंग्लिश में बात करता है वो बॉम्ब हंड्रेड ऑफ बॉम्ब्स वर ड्रॉपड ऑन सिटी जो बहुत सारे बॉम्ब्स थे उनको फेंका गया ड्रॉप किया गया सिटी पे अब एडवर्ब में

हर जाल में अपनी स्किन उधार देता है एनिमल आर ऑफ क्विकली और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं हम उनकी स्किन जल्द से जल्द निकाल देते हैं हम कोई चीज निकालना दूर जाना हटने के लिए ऑफ यूज होता है तो आपने देखा होगा कि कहीं हम नाउन का यूज करते हैं एक ही वर्ड को सेंटेंस में और कहीं आपने देखा होगा एडवर्ब के तौर पर अब आते हैं फ्रेजेस रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज है अब आपको क्या करना है ढूंढने हैं है ना लाइक सेंटेंसेज ढूंढने हैं आपको लेसन को पढ़ने के बाद इन विच फॉलोइंग जहाँ पर फ्रेजेस को यूज़ किया गया है देन यूज दैम इन सेंटेंस और फिर उनको सेंटेंसेज में यूज करना है चलिए देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अगली स्लाइड में आपको देखने मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ अब ये एक फ्रेज है ही वेस्टेड ही वेस्टेड हिज टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही वेस्टेड हिज टाइम उसने क्या करा अपना समय व्यर्थ कर दिया उसने अच्छा अगर वो काम कर लेता तो बढ़िया रहता लेकिन हार्ड वर्क ना करके उसने समय वेस्ट कर दिया इन प्लेस ऑफ ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी वो अपनी ड्यूटी कर रहा था इन प्लेस ऑफ वेस्टिंग टाइम ना अच्छी बात है अब वो क्या कर रहा था इन प्लेस ऑफ इसकी जगह किसकी जगह वेस्ट समय को व्यर्थ करने से बेटर है उसने क्या करा काम किया अपनी ड्यूटी की किसकी जगह वेस्टिंग टाइम की जगह रैदर देन अब देखिए इट इज़ बेटर टू डू समथिंग रैदर देन वेटिंग फॉर मेजर वर्क किसी चीज़ के लिए वेट करने से बेटर था उसके लिए कि उसने क्या करा कोई कार्य कर लिया तो रैदर देन ऐज आ होल अब यहाँ पे होल की बात हो रही है टेररिस्ट अफेक्ट से कम्युनिटी एज आ होल पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं सो फार एज सो फार इज़ माई ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इज कंसिडर्ड इट मस्ट बी जॉब ओरिएटेड जितना मेरा अनुभव है मेरा ओपिनियन है जितना ऑल अराउंड मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन जो है वो कंसर्न है और मस्ज भी जॉब औरिएंटेड जॉब ओरिएटेड है आप पढ़ाई लिखाई करते हो किस लिए करते हो कमाई करने के लिए टू पास जजमेंट टू बास अजमेंट रेशनली इज अ फॉरमोस रिक्वायरमेंट अगर आप कोई जजमेंट बास करते हो तो अच्छी बात है लेकिन याद यह है कि रेशनली अगर आप करते हो तो उसकी आवश्यकता ज्यादा है टू बास अजमेंट रेशनली रेशनलिटी जजमेंट रेशनलिटी इज अ फॉरमोस रिक्वायरमेंट है ना चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू अब आपने सुना होगा ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी एक फ्रेज है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज बैड फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा तो ये गलत भी है टू लेट ऑफ टेररिस्ट क्रिएट बॉम्ब्स एट पब्लिक प्लेसेस वो क्या करते हैं लेट ऑफ लेटिंग ऑफ बॉम्ब्स बॉम्ब छोड़ने के बाद क्या करते हैं पब्लिक प्लेसिस को डराते हैं ना उनको डर पैदा कर देते हैं भयावह स्थिति क्रिएट करते हैं इन्फेरियर टू अब देखिए ब्लैक्स आर नॉट इन्फेरियर टू वाइट्स वो इन्फीरियर नहीं है किन के वाइट्स के मुताबिक देखिए यहाँ पर बात है देखिए ब्लैक और वाइट है तो हम यहाँ पर किन की बात कर रहे हैं नॉन अमेरिकन्स की और अमेरिकन्स की लाइक जो अमेरिकन्स हैं जो अफ्रीकन हैं उनको ब्लैक कहा गया फॉर ऑल दैट अब ये भी एक फ्रेज है तो हमने कैसे सेंटेंस बनाए देखते हैं रेशियल डिफरेंसेज आर कंटिन्यूइंग इवन टूडे आज के समय में भी रेशियल डिफरेंसेस लगातार चल रहा है बट फॉर ऑल दैट पर उन सब के लिए अवर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लेस रिस्पॉन्सिबल पर उन सब के लिए बट फॉर ऑल अवर पॉलिटिकल पार्टी हमारे पॉलिटिकल पार्टी इनके लिए बिल्कुल भी क्या है जवाबदेही नहीं रखती इन अ ऑफ है ना अब पजेसन क्या है आपने सुना होगा ना चीज़ देखिए आप फोकस कर हैं पजिशन से हम ये समझते हैं कोई चीज़ किसी की हो इन, आ, ही पजेज हाउस उसका घर है ना तो पजेसन जहाँ कोई चीज़ आपकी हो बहुत स्ट्रांगली वेमेंटली आप कह रहे हैं वी शुड नॉट ट्राई टू ट्रांसफर एवरी थिंग इन पोजिशन ऑफ अवर टाउन किथ एंड किन हमें हर एक चीज अपने को ऐसे नहीं देना है ना ट्रांसफर नहीं करना है अपने पोजिशन को अपने ही लोगों को किथ एंड किन अपने लोग इन प्रैक्टिस द कम्युनिटी ऑफ कास्ट इन कम्युनिटी शुड बी इन प्रैक्टिस ना उन दो सबको क्या रहना चाहिए प्रैक्टिस में रहना चाहिए इन एनी केस वी शुड नॉट बी पार्शल इन एनी केस हमें किसी भी केस में क्या नहीं होना चाहिए पार्शल नहीं होना चाहिए दैट इज़ ऑल नाउ दैट इज़ ऑल द न्यूज़ एट नाइट यही न्यूज़ थी ऑल नाइट ठीक है अब देखिए दैट इज़ ऑल यही थी न्यूज़ आज की रात की देखिए इस तरह से आपको समझना है कि फ्रेजेस को जोड़ कर हम एक सेंटेंस का सेंस बनाते हैं एवरी बिट आवर एवरी बिट शुड बी डिवोटेड टू नेशनल डेवलपमेंट हर एक चीज़ जो है हमारा हर एक क्षण है हर एक चीज़ जो हमारे योगदान की योग्य है देने योग्य है वो डिवोट होना चाहिए राष्ट्र की डेवलपमेंट में अब हम आते हैं ग्रामर की सेक्शन में जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम सभी के लिए पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इन टू सिंपल पास्ट पास परफेक्ट अब देखिए यहां पे हमको क्या करना है पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं अब यहाँ पर दिया है कविता वॉन्ट टू नो वॉट हर हस्बैंड डू लास्ट वीक अब यहाँ पर आपसे बोला है कि आपको सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है अब वॉन्ट का क्या हो जाएगा वॉन्टेड हो जाएगा पास्ट टेंस की बात हो रही है ना कविता वॉन्टेड ईडी जुड़ गया टू नो वॉट हर हजबैंड डेड लास्ट डू का क्या हो गया डेड हो गया तो ये पास्ट टेंस का वर्ड है सेंटेंस है बी ब्यात है महेश इज अनेबल टू टेल द टीचर वेयर ही गेट द मनी अब मनीष अब ये देखिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट का उसको हमको पास्ट में चेंज करना है तो इसको हम पास्ट में कैसे यूज करते हैं वॉज हो गया ठीक है अब यहाँ पर हमने गेट को गॉट कर दिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं वर्ब को तो यहाँ पर गैट का गॉट होता है इसका वॉज हो गया माई फ्रेंड Ask me to what? Ask me what countries I visit. तो यहाँ पर मैंने क्या करा Ask है तो asked कर दिया क्यों क्योंकि ये क्या है यहाँ पे past की बात हो रही है visited कर दिया Now D. The doctor tell me that he go to Goa for a holiday. अब ये भी present simple verb है ये भी simple है साधारण ऐसा है हमें क्या करना है इसको पास में चेंज करना है तो टेल का हो जाएगा टोल्ड तो, तो डॉक्टर ने बताया था मुझे दैट ही गॉन टू गोवा फॉर हॉलीडे तो गो का हो गया गॉन वो जा चुका है कहाँ पर गोवा में हॉलीडे के लिए माई फ़ादर लॉस हिज़ न्यू शू शूज़ शॉर्टली आफ्टर ही बाय दैम उन्होंने खो दिया जैसे ही उन्होंने लाया था ख़रीद के लाए थे अपने शूज़ तो इसमें क्या होगा लॉस का लॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा बाय का बॉट हो जाएगा तो माई फादर लॉस है ना घुमा चुके थे हिज़ न्यू शूज़ शॉर्टली जब वो उसको ख़रीद कर लाए थे तो हम है से क्या कर रहे हैं थे बना रहे हैं है से थे बना रहे हैं ठीक है तो यहां पे क्या है हमें प्रेजेंट है बास्ट को चेंज करना है कहीं ना कहीं तो हमने समझ लिया कि कुछ कुछ जगहों पे हमको कुछ वर्ड्स में ईडी जोड़ना है ना गो का गौन हो जाता है तो ये बास्ट चेंज हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे लेकिन ये आपके लिए एक जानकारी है जो आपको मुझे रखनी चाहिए कि कैसे हम चेंज करते हैं कोई भी सेंटेंस को पास्ट में जो अब हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर टू जो कि पार्ट है ग्रामर का कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है मतलब थोड़ा भी इस दुविधा में नहीं आना है कि ये क्या आ गया आपने प्रीवियस जो आपकी प्रीवियस चैप्टर था वहां पर एक्सरसाइज दिया था क्लॉज का तो यहाँ पे भी हमें मैन क्लॉज ऐड करना है अब आपको पता है क्लॉज क्या होते हैं यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है अब ये सब्जेक्ट दिया हुआ है है ना अब यहाँ पर देखिए ईट है यू आ रहा है आई आ रहा है यू आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब आप, आप समझ गए होंगे कि वही एक्सरसाइज है बस पे मैंशन नहीं किया अब यहाँ पर क्या है इफ इफ आ रहा है अब इफ कंडीशन के क्लॉजे अब आप सभी को पता होगा कि हम क्या करते हैं यदि एफ के बाद सिंपल प्रेजेंट रहता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर ऐड हो जाता है यहां पे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना लाइक सिंपल फ्यूचर इस तरह का सेंटेंस बनता है तो ओवरऑल अब यहां पर हम यही करेंगे तो इफ द वेदर इज फाइन नगास वेलकम सिंपल है इफ इट रेन इन द इवनिंग द मैच विल बी पोस्टपोन इफ यू ईट टू मच यू विल लूज योर हेल्थ इफ अजीत हेल्प्स मी आई विल गेट द जॉब इफ यू डोंट हरी यू विल सक्सीड तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ हमने ग्रामर देखी और हमने समझा कि किस तरह से हम क्लॉज का यूज करते हैं मेन क्लॉज कैसे ऐड होता है ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग इन अवर टाइम अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा वो ये है कि इसके बाद आने वाली है पूरे चैप्टर की जमरी या हमने एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है यदि कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट देकर बता सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो है वो मैं आप सभी को देना चाहूँगा और वो ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे हैं आप उनको देखें और सोशल मीडिया साइट्स में शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद